जिहड़ा कोई लोकां दा शहीद आ उह हाकम जमातां दा शहीद हो नहीं सकदा। उहदे ते हाकम जमातां पखंड जरूर कर सकदियां। उन्होंने ये भी कहा कि सिख तो हजे तक गुलाम ने, भगत सिंह तो मतलब कौम का शहीद, सिख कौम का शहीद नहीं हो सकता, भारत का शहीद हो सकता। ये धर्म के आधार से जो लोग लड़ाते हैं ये लोगों के दुश्मन है। करदे अंग्रेजा के पिट्ठू से उन्होंने नाल लगे हुए थे, उन्होंने हिस्सा पत्ती बद लेना सी, इस करके उन्होंने सरोपा पाया। तो सरोपा पाने फिर ठंडे हो गए, फिर उन्हें उद्वाता नहीं लोग मारे। एक गल भगत सिंह बारे कहें भी भगत सिंह असल केस कतल करवाउंदा इस करके सिख नहीं हैगा। सिख बादल भी है, झूठे मुकाबले उन्हें पंजाब शुरू करे है, उन्होंने सिख मान लीए, फिर गुरु गोबिंद सिंह नूं की कहना है? वो सिख नहीं सी, क्योंकि उन्होंने सिखों नूं मारता, कड़ाहियां च तलता, इस करके तो फिर गुरु गोबिंद सिंह दे खिलाफ बोलने। अच्छा, सरकार है जी लगातार चार महीने हो गए जड़े वादे करके आई सी, वाकया वो वादा ते खरी उतर रही है कि बदलाव वाली गल लगती है कि नहीं लगती जी, की लगता? सानू तो लगता है दूजिया सरकारों भी माड़ी निबड़ू, जे सिस्टम नहीं बदलना इतने जो लोगों की लोड़ा वो पूरिया नहीं होनिया, फिर भगत सिंह की फोटो थां थां टंग दे देना की होजू। आ बठिंडे दे विच है, इन्होंने सड़क कढ़नी सी, लोगों के उत्थे घर पए सैकड़े की गिणती च, वो सारे घर हटाते, समान भी नहीं कढ़न दिता। नरमा मर गया पूरा वादा करके भी, हाँ ये 55 करोड़ की गल है सरकार वास्ते, कैबिनेट पास कर 41 करोड़ करे तो दिती, किसी दुखी नहीं। बहुत सारे लोग ये कह रहे भी असल सिद्धू मूसेवाला मारन च इन्हों का हाथ से, उन्होंने मारिया इस करके, जे मारे गए तो कोई बाली वड्डी गल नहीं। देखो जो कोई यह कुछ होंगे ना उदो वड्डी गल होंगी भी लोगों की सुरत भमानी है। पंजाब दे विच जिनी क जागृति आई आपदे हकों प्रति, इन्हों की सुरत भमानी है, वो चाहे गायक सटर के मुकाबले दिखा, चाहे सिद्धू मूसेवाला का कतल हो गया, जे एस वाई एल नहर का मामला है अजे कि निकली नहीं, फिर हूँ पंजाब का पानी फिर किधर गया? जे कहते नहर निकल गई फिर तो पंजाब बंजर हो जू। स्वागत है दोस्तों, लोक आवाज़ टीवी देख रहे हो तुसी ते मैं मोहन सिंह औलख। दोस्तों पंजाब दे विच जदों तो सरदार सिमरजीत सिंह मान ने शहीद भगत सिंह जी बारे एक टिप्पणी की है कि वह शहीद नहीं है अतवादी है, उदों तो पूरे पंजाब सियासत गरमाई हुई है। इस तो बिना पंजाब सरकार ने भी उन्होंने मौजूदा MP होने करके घेर लिया कि कानूनी रूप दे विच उन्होंने कार्रवाई दे लई असी कोर्ट तक जावांगे कि साडे शहीदों का निरादर कर रहे ने। पर दूजे पासे सरदार मान का कहना है कि असी सरकार दे खिलाफ जावांगे ते केस लड़ांगे, पर साडे लई शहीद कोई होर ने, भगत सिंह साडा शहीद नहीं है, सिखां दा शहीद नहीं है। तां इस तमाम गलबात दे दौरान साडे नाल ने भारतीय किसान यूनियन दे सीनियर आगू झंडा सिंह जेठूके जी। प्रधान जी स्वागत है। स्वागत है जी, सदा धन्यवाद। प्रधान जी की किवें देखदे हो जी भगत सिंह जी बारे इस तरह दी टिप्पणियां करनियां, एक मौजूदा मैंबर पार्लीमेंट ने और वह कह रहे हैं कि सिखां दे लई उन्होंने कुछ किया हो सकता, साडे शहीद नहीं है। देखो जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई चली जी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई है तो नहीं, वह सिख लड़ रहे है जां मुसलमान लड़ रहे हैं, हिंदू लड़ रहे हैं, कुल भारत के लोग अंग्रेजों को इतों मतलब आज़ाद होने लिये उन्होंने राज तो सारे लड़े है, उस भगत सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने वो जेल च गया, जेल जाके उन्हें बहुत सारी पढ़ाई की, जो उन्होंने पता हालांकि फांसी ला देना, इस करके जो वह इन्ना कुछ पढ़िया तो लोगों को राह दिता है। इतों तक लोगों को कहा कि जी कांग्रेस की लहर है यह तो किसी ना किसी दिन समझौते निबड़ूगी, तो उ समझौता होया 1947 च। इस करके एक हाकम जमात है, एक लोग है, जो कोई लोगों का शहीद वह हाकम जमात का शहीद हो नहीं सकता। वो हाकम जमात पखंड जरूर कर सकती हैं, असैनी वाले जाके वो हार पा सकती हैं, क्योंकि लोग जो जुड़े लोगों के वो जज्बात के तौर पर लोगों को बुद्धू बना है भी हाँ भी असं भी उन्होंने मानते हैं। ये है जे सिमरजीत मान ने दिता है उन्होंने शहीद तो है नहीं, तो ना उन्होंने अधिकार है भी उन्होंने शहीद कहन, जो शहीद कहते लोगों का धोखा कर दिया पखंड कर दिया वो लोगों का शहीद है। उन्होंने ये भी कहा कि सिख तो हजे तक गुलाम ने, सिखा नाल धक्के होंदे आए आ, सिखा दा सिखा लई उन्होंने कुछ नहीं किया, देश लई किया, भगत सिंह तो मतलब कौम का शहीद, सिख कौम का शहीद नहीं हो सकता, भारत का शहीद हो सकता। देखो जे कोई किसी नूं बंडदा है ये उन्होंने हैगे ही है भी आ भाई पंजाब वाले आ, पंजाब दे विच पंजाबी भी आ सारे, उन्होंने पंजाब नूं कहां वंडन हाथ भी ये सिख अड है, जिंदी वंडियां किवें पैण लोगों च, जे लोग सारे एक किस्म की करत करते है वो तो एक ही है, तो जे वह कह भी नहीं पंजाब वाले नहीं मुसलमाना की किया,
कश्मीर नाल की कीता वो धारा तोड़ के किमें फौज चढ़ाई है ऐं सारियां होर स्टेटां दा हाल है। इस करके लोगों की लोड़ की है, जिहड़ी लोगों की लोड़ है सारियां स्टेटां कट्ठियां होके जे पंजाब तो उठा अंदोलन दिल्ली दे बरूहां ते गया, हरियाणा नाल लग्या, यूपी नाल लगी, राजस्थान नाल लग्या, पूरे भारत की हमायत मिली, पूरी दुनिया चो हमायत मिली, तो मोदी को पिछे हटना पिया। इस करके जिहड़े किरत करन वाले लोग है उन्होंने धर्म के आधार पर बंडना, उन्होंने बखरेवें जातां के तौर पर बंडना, इलाके के तौर पर बंडना, यह पॉलिसी हाकमां दी है कि लोगों को पाड़ो तो राज किवें करो। साडे वास्ते लोग जिहड़े मनुख है किरत करते हैं वह किसी रंग के होण, किसी जात के होण, कोई उन्हां दा धर्म होवे, असीं यह समझदे हां कि धर्म मनुख का जाति मसला, उन्हें किवें मनना है, किसी तो एक दूजे से जिहड़ा धर्म ठोसद है या धर्म माड़ा आ धर्म चंगा, ये धर्म के आधार से जो लोग लड़ाते हैं ये लोगों के दुश्मन है। उन्होंने नाल ही कुछ गल्ला होर भी कीतियां कि उन्होंने असल दे विच जो जनरल डायर नू सरोपा पाउण दी गल आउंदी है उन्होंने नाना जी ने सरोपा पाया तो उन्होंने ठंडा करन दे लई पाया, इदां दीआं गल्लां कीतियां जा रहीआं। देखो जिहड़ा बदलाव करना कौन कौन किहदे नाल सी गिआ, इह तां उह है वी पिछे जिहड़ियां कोई एक हाकम जमातां राज करदीआं अंग्रेज़ां दे पिट्ठू से उन्होंने नाल लगे हुए सी, उन्हां चों हिस्सा पत्ती वध लैणा सी, इस करके उन्होंने उन्हूं सरोपा पाया ते सरोपा पाउण नाल फिर ठंडे हो गए, फिर उन्हें उद्दवा तां नहीं लोक मारे, ज़्यादा होंगे भी हाँ जो सरोपा पाया, देखो जो उस पहला तो लोग बहुत मारे अंग्रेजा ने, जो सरोपा पाता तो नाने ने सिमरजीत मान देने फिर लोगों का उन्होंने कोई वह नहीं है ऐ किसी का खासा बदलना, जो जमात है एक दूजे की गलफडमी लड़ाई है किसे कब्जा किदा होवे लोगों का होवे हाकमां का होवे सारे कासे ते वो लड़ाई है, आ पानिया का मसला है, लोग कहते असी पानी बचाना कहते कब्जा करना है, तो जे कोई इनू कहे भाई हाँ मोदी इत्थे आया उन्होंने सरोपा देता देखो जी उद्दवाता देखो उन्होंने ठंडा करने वास्ते ऐं कोई हाकम ठंडा होंदा होंदा जिहदी ऐं जाति दुश्मनी है जो जमाती दुश्मनी है कोई एक दूजे लई ठंडा नहीं होंदा। जिहड़ा मतलब ये भी गल चलती है कि उन्होंने जो एस पी होंदे सी कहिंदे वी उन्होंने जिहड़ा मुकाबला बनाया सी निहंग सिंघां दा मतलब उन्होंने जायज कहा जा वह जायज कह रहे हैं कि उन्होंने तीन पुलिस जवान मारे गए इस करके उन्होंने निहंग मारते। देखो जिहड़ी कहानी कोई बाहर बनाउंदे आ हुण वी आ गैंगस्टरां नूं मारे जा रहे है उन्हां नाल मुकाबला थोड़ा ही हुंदा है फड़े जांदे बाद च मुकाबला तो हुंदे है। इह जिहड़ा उत्थे मामला सीगा सराय नागा दा जिहड़े उत्थे सरदार है सराय नागा दे उन्हां दे कुत्ते पए निहंगां दे मगर उन्होंने गोली मारती कुत्ते नूं इह सारी पुलिस चढ़ के उत्थे एस एस पी सीगा उहदे नाल मुकाबला होया गुरद्वारे च जिहनूं लग्गिआ वी नेड़े तां लग्गण नहीं दिंदे फिर उहनूं कहा वी यार असीं तुहानूं कुछ नहीं कहिंदे तुसीं बाहर आ जाओ उहनां नूं बाहर बन्न के फिर मुकाबला बनाया इहनू हुण कोई कह सकदा जे हुण पुलिस सीधी गोली चलाउंदी है गुरद्वारे ते उन्होंने मूहरों चलाई मर सकदे आ पुलिस वाले मुकाबले च वह भी मर सकदे आ पर उन्होंने बाहर कढ के झूठा पुलिस मुकाबला बनाया इन्होंने। अखंड पाठ साहब भी चलता पे लगता नहीं कि बेअदबी हुई हू हुण तां उह गल करदे ने कि बेअदबी उह थां ते होगी उह थां ते होगी रौला पाउंदे ने उदों की चक्कर उदों कहतों नहीं सी कहिंदे। देखो गल तां वरतण दी हुंदी आ किहड़ी गल नूं किवें वरत ले कोई क्योंकि इह सिख धार्मिक तां सीगे उहदे च उदों पी एस यू का बहुत ज़्यादा जोर सीगा इन्होंने नरेंद्र चाहल वर्गे नूं बहुत ज़्यादा कुटिया जिहड़े उहदे आगू सी जदों लग्गिया वी यार एडे सिरड़ी बंदे मन नहीं रहे कोई गल झुकी नहीं रहे उहनूं कहिंदा तुहानूं सिख होना चाहीदा सी भी सही गल तो जिहड़ा कोई खड़दा है करदा है वह सिख हो के होवे कि मुसलमान हो के कि हिंदू हो के होवे गल तां उहदी कि गल है वह है उदू पहला भी एस एस पी भी होंदे झुकाता सी गई सिक्खी वल। एक गल भगत सिंह बारे कहिंदे वी भगत सिंह असल दे विच केस केस कतल करवाउंदा इस करके सिख नहीं हैगा। देखो इस गल नाल जदों किसी ने कोई लड़ाई लड़नी है उन्हें कहा भगत सिंह ने भी मैं केस कतल कराते कराए है हजे सारा शरीर जो कहना हो मतलब लेखे लाना है तो उन्हें लाया है जे कोई किसी के केस नहीं ओहो जे मतलब कुछ करता है चंगे काम करता उन्होंने माड़ा कह दीए जे इस करके केसा की उही गल कहनी है गुरु गोबिंद सिंह ने जोड़े मसंद सके उन्होंने चंगे दाड़े रखे थे गात्रे पाए हुए थे फिर गुरु गोबिंद सिंह की कहना है वो सिख नहीं सी क्योंकि उन्होंने सिखों को मारता कड़ाहिया कड़ाहिया च तलता इस करके तो फिर गुरु गोबिंद सिंह के खिलाफ बोलने हकीकत है ये भी उन्होंने सिखां नूं जिहड़े मसंद सी असल सिखी के रूप च उन्होंने बाणा तारिया होया हुण भी है इस किस्म के सिखी का बाणा तारिया होया बेचते फीम भुकी है उसी उन्होंने सिख मान लीए सिख बादल भी है झूठे मुकाबले उन्हें पंजाब शुरू करे है उन्होंने सिख मान लीए भी हाँ वो भाई गात्रा पाया बादल साहब देता कोई काम की करता है जे मनुखता के भले का कम है
उन्हों से चंगा कहांगे किसे रूप जो होवे किसे पहरावे जो होवे ते जेड़ा लोकां दे उल्ट करता है वो कोई है पहरावे जो होवे सिखांगे इसी गल गलत है। एक प्रधान जी जेड़ा लगातार मुकाबले हो रहे हैं सिद्धू मूसेवाला का कतल हो गया जो पहला गैंगस्टर नूं लगातार मारिया जा रहा परसों भी होया और कुछ लोग उत्ते सवाल उठा रहे कि शक्की लगता भी ये फड़ के मारे हो सकते हैं जां कुछ होर की लगता जी। पहली गल तो सवाल है भी गैंगस्टर पैदा किने कीते सारिया पार्टियां ने जिनी बेरोजगारी है उन्हां जो मुंडे लए हुए है एक दूजे के उत्तों की पैण की खातर वोटां वेले कब्जे करन की खातर बूथां ते लोकां नूं डराउण की खातर वो गैंगस्टर इन्होंने पैदा किए उन्होंने सपोर्टां दित्तियां ते उही जिहड़े हैगे उस धंधे च पैंदे है जिन्हों हथियार फड़ाता सरकार नाल है वो जिथे मर्जी ठगी चोरी करे जिथे मर्जी किसी धी भैन की पत्र लुट ले कोई पुछण वाला नहीं पैदा होए है तो जदों इन्हों लगता भी इस गल के इन्हों के खिलाफ कोई उल्ट होगी उदों उन्होंने झूठे मुकाबलों च मारते हैं। देखो जिहड़ा सही मुकाबला है वह तो रलदे नहीं जे पुलिस दे भी कोई ना कोई जख्मी होगा ही ऐ तो नहीं भी एक पासे मर गए उदों जो पहला ज्यादा मार मराई चली है पंजाब इन्होंने बंदे रैसट किए रैसट करके करने कोर्ट च पेश से राज उन्होंने दिखाता भी मुकाबला हो गया पुलिस वाले मरे नहीं जिन्हों कोर्ट च पेश कर गए से मारिया गया ऐसी कहानियां निरी दिखा देने किन्ने साबित हो गए भी झूठे मुकाबलों मारिए उही कुछ गैंगस्टर करते हैं कोई हक नहीं इन्हों का जो गलत राह भी पै गए उन्होंने कतल भी करते सजा तो कोर्ट ने देनी है कोर्ट च पेश करन इन्हों कि अधिकार दिता भी आप ही वह जलाद आप ही जज आप ही वह फैसला सारा कुछ कर दे ये अधिकार किने दिता जानी नंगी चिट्टी कानून नू धजियां उड़ा रहे हैं जिन्हें कहते भी पुलिस ने रक्षा करनी है कानून की। बहुत सारे लोग ये कह रहे भी असल सिद्धू मूसेवाला मारन से इन्हों का हाथ से उन्होंने मारिया इस करके जे मारे गए तो कोई बड़ी वड्डी गल नहीं। देखो जो कोई यह कुछ होंगे ना उदों वड्डी गल ये होंगी भी लोगों की सुरत भमानी है दिल्ली वाले घोल तो बाद लोग जुड़े है उधर नूं भी साडा की भविख है उन्हों बदलने सारा कुछ गिरड़ा है। मूसेवाले का कतल होया गांह मुड़ के वारिया जिन्ना प्रचार है वो है अगे कड़ा लोग मारे नहीं गए उन्होंने किन्ना क चखते है बड़े बड़े भी मारे गए है कुछ दिन की खेड होंगी है पर हुण क्योंकि पंजाब दे विच जिन्नी क जागृति आई आपदे हकों प्रति इन्हां दी सुरत भमानी है वो चाहे गैंगस्टर के मुकाबले दिखा चाहे सिद्धू मूसेवाला का कतल हो गया जो पानिया का मसला है ये नहर वाले मुद्दे मूहरे लिया दरई पानिया मूहरे लिया कहें भी असं जो बार बाहर जाता वो पैसे लेने हैं भी पैसे तो सारे पानी तो सुटे कब्जा कर रहे हैं तुम बहर पैसे तो सोनू देने पैणगे 38 साल हो गए नहर में किसी ने नहीं कढ़ी 38 साल का रौला है चोणा मौके जो आदो खड़ी कर लेंगे है हुण पानिया का मामला लोग सही पासे जाणगे हुण फिर नहर का रौला खड़ा किया होया जी लोगों की सुरती किधर लाउणी है ये हाकम लगातार चालां चलते रहेंगे है इन्हों को उसके साधन है प्रचार के साधन इन्हों को है। SYL के मुद्दे आप गल भी कर रहे हो लगातार मतलब प्रचार किया जा रहा लगातार प्रोपेगंडा किया जा रहा सिद्धू मूसेवाला का गाना भी आता SYL बैन कर दिता जाता है इनू किवें देखते हो जी। देखो तो लोगों की जी उस गल नूं भड़काउणा वरतना उहदे नाल जोड़ना उहदे सारे खेडां हुंदियां जे SYL नहर का मामला है हजे तक तो निकली नहीं हुण पंजाब का पानी फिर किधर गया जे कहते नहर निकल गई फिर तो पंजाब बंजर हो जू हुण नहीं पंजाब बंजर हो रहा 32 लाख एकड़ रमदी सी पहलां हुण 27 लाख एकड़ रमदी है ये 15 लाख कौन खा गया पिछों पानी क्योंकि धरती हेठला पानी वध तो वध घटाउणा सी उहनां दे समान बकाउणे सीगे इस करके सूए कस्सियां सारे बर्बाद होए है जे 75 साल हो गए आजाद होया नूं अज तक तो सारे पानी नहर का प्रबंध कर सकते सी आए बार हुण आह थोड़ा जिहा मींह पिया हज़ारां एकड़ फसल मारती ने जे ज्यादा पैसे होर पता नहीं कि मार दू ये पानी सामने नहीं जा सकता कितने जे भाखड़ा डैम का बन बच सकता है ये छोटे मिनी बन नहीं बच सकते यही पानी नहर से दिता जा सकता है वाधू पानी है नहीं लोड़ पानी खेती में यह सीधा धरती से रीचार्ज किया जा सकता है। अच्छा सरकार है जी लगातार 4 महीने हो गए जड़े वादे करके आई सी वाकई वो वादे ते खरी उतर रही है कि बदलाव वाली गल लगती है कि नहीं लगती जी की लगता सानू तो लगता है दूजिया सरकारों भी माड़ी निबड़ूगी क्योंकि जो 4 महीने का अमल सामने आया वो अमल कोई लोगों के हक का नहीं है भी आ करता आ करता इन्होंने कहा भी आ पानी वाला असं प्रबंध करना है सीधी बिजाई कर लो 1500 देवे सीधी बिजाई ना यदा मसला हल हों 1500 ना जे किसी का कोई लॉस हों तो पूरा लॉस होना मिलना चाहिए सानू उन्होंने कहा सा मीटिंग भी हुई असं क्या भी पूरी असं डिटेल देवे
साड़ी कोई लोड़ नहीं समझ उन्होंने मुड़ के मीटिंग करने की, अपने तौर पर फैसला कर लिया। हुण मूंगी कहा भी असीं MSP ते खरीदांगे, मूंगी इन्होंने 7200 नूं खरीदी है, MSP 7500 तों उत्ते है, तो वह भी 8% खरीदी है सारी चों। जे 100 चों 8% खरीदी जानी है, जिन्हां दी दूजां दी मूंगी रुल गई गाहां नूं मूंगी किवें बीजणगे उह? जे फिर तां इह सी ना वी जिहड़ी मर्जी है मूंगी, कुल दी गरंटी करदे सारी दी सारी मूंगी चक दे, गाहां नूं लोक होर ला लैंदे। मक्की है, लोगों ने मक्की बीजी है, विचार वाले ने भी बिजाई है, उन्होंने पूरी नहीं चक्की, वह कहते हुण तुसीं पका लो आपदी, वह मक्की पका लैण, रेट 1800 तो उत्ते है, बिकनी यह सी 700 नूं है, इहनूं हुण बदलाव मान लीए, फिर जिम्मेवारी बनदी है चक्कण ये उस रेट पर। बासमती है, वह कोई रेट नहीं, किसी बार वह 5000 नूं विकदी है, किसी वाल 1200-1400 नूं विकदी है, वह 3500 का रेट बनना, ला लैणगे सारे लोग बासमती। तो नाल जिहड़ा हाँ तूड़ी का तोड़ा पैंदा है, वह तो पशु चारा वधिया है, आम हो सकता है, उस कहिंदा कोई बदलाव नहीं, किसी गल्ल च कोई बदलाव नहीं, कहण नूं बथेरा कुछ है। तो बोर्ड तो इन्होंने पंजाब च तां लाउणे सी, दूजे स्टेटां च लाए पए वी सियाह करता सियाह करता, सानूं तां किते कुछ नहीं दिंदा होया विआ प्रैक्टिकल। तां कुछ लोग ये दोष ला रहे भी जथेबंदियां हल्च अंदोलन तो बाद आपदा पैर भारी कर गईं, इस करके हुण हर गलती विरोध करदियां, सरकार काम तो करना चाहुंदी आ, ये जथेबंदियां वाले जाण के डक्का डाउंदे आ, विरोध वास्ते विरोध करदे, काम वास्ते विरोध नहीं। देखो ये तो सरकार ने भी कहता भी इन्होंने 2 महीने हो गए धरना नहीं लाया, जिवें कोई बहुत कुछ इन्होंने लग्या हो भी हुण किवें है भी सामने उहदे चों ला रहे हैं, हुण आ जिहड़ा आ लाया जो कहते हैं जी इन्होंने धरना ला लिया मोर्चा ला लिया, समय तो दिता नहीं सरकार नूं, सरकार ने ट्रीटमेंट बारे कुछ किया, पानी के शुद्ध करने वास्ते कुछ किया, तो जिन्हां ने पानी गंदला किया है ये उन्होंने तो बख्शदे आ, चेयरमैन ने बख्शदे आ, फिर लोग तो धरने बजारे करनगे ही की करना जो हो रहा ही नहीं। जे सरकार करती होवे असीं सरकार नूं कहा भी तुसीं आह जिहड़ा धरती हेठला पानी है इहदे लई कुछ करो, असीं तुहाडा सहयोग करांगे, कुछ नहीं किया, नरमा मर गया पूरा वादा करके भी हाँ ये 55 करोड़ की गल है सरकार वास्ते, कैबिनेट च पास करया 41 करोड़ करया ते दित्ती किसे नूं दुखी नहीं, जिहड़ा चन्नी तों लड़के लिया वैसे कोई गया वैसे जिलों च उहनूं वापस मंगा लिया, फिर इहनूं मन लीए गुलाबी सुंडी बीज दे विच आ गई, जिन्हें बीज लिया जे बीज दे विच गुलाबी सुंडी है उहनूं फड़ के अंदर नहीं सी करना चाहीदा, जे पूरा नरमा एरिया गुलाबी सुंडी ने मारता उदों पहलां चिट्टी सुंडी ने मच्छर ने खा लिया, वो जिहड़ियां कंपनियां तों दवाई आई है उदों अंदोलन लड़िया गया नाले भरते से इन्होंने माड़ियां दवाइया नाल, उन्होंने सारा कुछ ही लिखा सी, बनता सी उन्होंने फैक्ट्रियों का काम बंद कर दे, जिन्ना नुकसान होगा उन्होंने तो पूर्ति कराते, फिर तो गाहां नूं दवाई ठीक आउंदी, उन्होंने तो पुछे नहीं किसी ने ना, उन्होंने कोई हुण पुछदा जे हुण भी आह मच्छर पै गया चिट्टा भी पै गया गुलाबी सुंडी पै गई हुण नरमा फिर बौना पै गया, फिर करन उहदी पूर्ति जिहड़ा लोकां दा नुकसान होगा उहदी पूर्ति करन, जिहड़ा उहदा जिम्मेवार उहनूं फड़ के अंदर करन। हाई कोर्ट का फैसला है कि पानी आह जिहड़ा मतलब हैगा सेम नाले च भी नहीं छड्या जा सकता, ये धरती च भी पाउंदे आ, दरियावां च मलाई जांदे, नहरां च मलाई जांदे आ, इहनां कोल कानून आ फड़ के कर देना अंदर, इन्हां नूं ये अंदर करन दी बजाय उहनां नूं सन्मानयोग थां दिंदे आ, फिर मान लईए भी हाँ भाई भगवंत मान दी सरकार तां बहुत लोकां दा कोई भला करू तां भगत सिंह दे राह ते तुरदी है, मान लईए इस गल नूं। नहीं वो नारा लाउंदे इनकलाब जिंदाबाद का, लगता नहीं भी भगत सिंह की गल करते हो, सहु भी चुकते उत्थे भी खटखटा जाके सहु चुकी पीली पग बनते भी कहते ही भगत सिंह के सच्चे वारस अं तो कुछ करके दिखावे आम घर के मुंडे हैं, पंजाब के लोग के मन च दिलों उतरिया हुआ डूंगा भगत सिंह, वो बरतना है लोगों की गल भावना बरतना है, वो सैनी वाले चाहे जाके सहु चक ली अमल च दिखाने भी भगत सिंह वाला की किया, जे अमल च कुछ नहीं है गया फिर बसंती मान लैना भगत सिंह के नारे लाई जाने वह की फर्क पैंता है, उदों की फोटो लाना हूँ वरती जा कहता भी नहीं साड़ी मुख्यमंत्री की फोटो नहीं लगनी उत्थे भाई वो फोटो लगेगी, ला दो सारे दफ्तर भगत सिंह की फोटो, जे सिस्टम नहीं बदलना इतने जो लोगों दी लोड़ वो पूरिया नहीं होनिया फिर भगत सिंह की फोटो थां थां टंग दे देना की होजू, जिवें प्रचार कर रहे किसी बहुत काम किए भी जिवें पंचायती जमीन जिहड़ियां नजायज कब्जे से वो छुड़वा रहे हैं वड्डे लोगों तो भी छुड़वा रहे हैं, जिवें वड्डे जिहड़े पहला पांच पेंशन लेंदे सी MLA जां विधायक हुण उन्हां दी एक पेंशन करती हैगी आ उन्हां ते भी कर रहे हैं कार्रवाइयां, इन्हां नूं चंगा नहीं देखदे? देखो जिहड़ा जमीनां ते कब्जे की गल है पिंडां दे विच मजदूरां कोले पंचायती जमीन है जदों कोई थां नहीं किते ना किते तां अगला ठहरदा ही है, बणदा तां इसी भी उन्हां नूं उह मालकी हक दिंदे, आ बठिंडे दे विच है इन्हां ने सड़क कढ़नी सीगी लोकां दे उत्थे घर पए सैकड़े दी गिणती च उह सारे घर हटाते समान भी नहीं कढ़न दित्ता, इहनूं मान लईए भी लोकां दे उह है इन्हों भगवंत मान को पता नहीं लग्या, जे उत्थे दी सड़क चों सड़क कढ़नी सी उन्हां दा बसेबा होर थाई कर देंदे,
सेवा नहीं किया, समान भी नहीं क्ढन दिता, तो ढाता धक्के आही ये जमीन आए चाहे जिन्होंने आबाद कीतिया जमीन उन्होंने तो मालकी हक मिलने चाहिए है, जिन्होंने पोलिटिकल जोर से अफसरसाइज के जोर से जमीन दबिया उन्होंने तो खो ला असं भी नाल खड़ा पानी तो नीवे सानू आ उधर तो गला कहू है जड़ा ये कह रहे थे कि आम आदमी की गरीबां की सरकार आ दूजे पासे जिवें ट्राइडेंट के मुखी नू जिवें इन्होंने चेयरमैन लाया कमेटी का सन्मान जग अहुदा दिता इहनू किवें देखदे हो? असीं इही कहिंदे आ वी जिन्हां ने यार पानी गंदले करके इन्नियां बीमारियां फैलातियां साडे लोकां दीआं, कैंसर है, काला पील गया, हार्ट अटैक हुंदे आ, जोड़ां दे मतलब कुल बीमारियां लगियां खड़ियां, इस मौके पंजाब दे विचों इक वी बंदा भाल देणा जिहड़ा कहे मैनूं कोई बीमारी नहीं, मैं कोई दवाई नहीं खांदा, आ देण इन्हां फैक्ट्रियां दी तो यह उन्होंने सन्मानयोग थान देंगे है, ये तो फटके अंदर करने चाहिए सी, किन्ने लोग इन्हां बीमारियां नाल मर गए, आ फैक्ट्रियां वाले उन्होंने कातल है, जे सरकार ने नहीं रोकिया सरकार भी उन्होंने कातल के विच भागीदार बनती है, तो जे सरकार नवी सी नहीं भागीदार बनना सी फिर उन्होंने सारे कहते इन फैक्ट्रियां वाले है भी नवी सरकार आ गई, उस बाद किसी ने ट्रीटमेंट तो बिना पानी पाता चाहे सूए च पाता कच्चे च पाता किसी सेम नाले च पाता धरती च पाता असीं अंदर करांगे, हुण पै नहीं रहा पानी फिर कर देंगे अंदर असीं मान लाँगे, उन्होंने तो सम्मानयोग थान दे रहा चेयरमैन ही दे रहे हैं योजना बोर्ड के चेयरमैन बनाते, कुछ लोग दोष ला रहे जिवें डल्लेवाल साहब आ कहिंदे वी असल च पैसे बनाउण वास्ते यूनियन इकट्ठियां हो रही सी, उत्थे 3000 करोड़ च मोर्चा वेच आए, उन्होंने चार यूनियन के नाम भी ले आ कि 3000 करोड़ रुपये मोर्चा वेच के आ गए, कहते इत्थे भी तो नहीं पंजाब दे विच भी तो नहीं मोर्चे विच ने, देखो जिहड़ा कोई दोष किसे ते लाउणा कोई जिहा जिहा मर्जी ला दे जदों उत्थों आए हैं दिल्लियों इकट्ठे उठ के आए हैं उदू पहला किसी की राय से की इरादा से वक्री गल है, 3000 करोड़ साबित कर देंगे जां तो साबित करन भी 3000 करोड़ चों 2000 करोड़ तो मेरे 200 करोड़ तो मेरे को आ गया भाई, आ 2800 करोड़ इन्हां कोले है, वो आपका 200 करोड़ का हिसाब दे दे दूजे तो मंग ले, जिहदे नाल दूजे नूं बदनाम करके फुट पा के मुकाबले दा वह बना रहा है संयुक्त मोर्चा, उहदे उहने सद्दा भी दिता होया गाहां कट कुट करन दा भी असीं दिल्ली दे विच जिहड़ा वह जंतर मंतर है शायद उत्थे कहिंदे हड़ लिया देंगे लोगों का, ये तो हुण लोग देखण भी जिहड़ा ऐं फुट पा के संयुक्त मोर्चा जिहड़ियां रहिंदियां मंगां ते लड़ रहा सी उहनूं दफाड़ करके पासे गया, तो जो पासे होना वो बाजवत बना तो दूजे को कहना भी ये निकम्मे है ये पैसे खाते नहीं लोगों के है कि मैं ही सब कुछ हाँ, ये तो लोग सोचन लोग जानन कि वह मंतव की है, संयुक्त मोर्चे ने सारा जोर लाया उदू पहला मीटिंग सी मीटिंग भी रद्द की भी आप भाई इकट्ठे बैठ के कोई हल कढ़ी नहीं आया उस रात नहीं वो कहते भी असल मैं तो बैठन तैयार से मेरी जथेबंधी MSP तक भी बैठन तैयार से दूजे सारे ही दोगले से पैसे खाने से डर के भजे सरकार तो देखो जेडे उतों आए कोई ये दसे भी यार आ पहला आ गया तो बैठा रहा जो हों भी दिल्ली तो होर जथेबंधियां उठ के आ गई ये भाई डल्ले साहब तो उत्थे मोर्चा लाई बैठे से ये 5-4 दिन मगरों आया भी हूँ जो सारे बागें मैं की करा फिर ऐ बिखरे मंदा तो दिस जाता उतो फैसला करके उठिया सारिया जथेबंधियां सारिया इकट्ठिया आई हैं भी आ जिहड़ियां मंगा रहिंदियां वो तो सरकार तो चाहे जिही जी मर्जी चिट्ठी लई भी असीं इहदे कानून बनावांगे असीं जिहड़े परिवारां दे जी उत्थे मतलब नुकसाने गए कुर्बानियां हो गई उन्होंने वारसां नूं मुआवजा भी देवांगे नौकरी भी देवांगे लखमीरपुर वाली घटना वापरी है वो दोषियों नूं विआह करांगे वो सारियां गल्लां मन्नियां पर लागू कोई नहीं कीती उत्थों तां इकट्ठे आए हैं सारा कुछ लैके जां दसण भी आ तां उठ के आ गए जे असीं परिवार दे विचां कोई कहिंदा भी असीं मक्की बीजना गुआरा बीजना इस करके कहे भी आ जिहड़ा गुआरा बीजण वाला तो गलत है मैं तो मक्की बीजण वाला सी ते बीजली परिवार ने राय नाल इकट्ठी भी आ मक्की भी नहीं गुआरा भी नहीं आपां भाई इत्थे अज फलानी चीज़ ला लो सब्जी ला लो फिर वो कहे भी इन्होंने मरवाते परिवार वाले ने दूजे ने मैं तो आ कहिंदा सी जां तां उहदे उल्ट करके दिखाउंदा ना उत्थे कुछ फिर मन्निया जा सकदा सी भी दूजे तो भाई दगदगा दे के भज्जे आए पंजाब नूं चोणां लड़नियां सी किसे ने कुछ होर करना सी गदार सी कुछ ही सी काले होए खड़े सी भज्जण नूं उत्थे बहिंदा दस दिन फिर वो कहण दा हकदार बनदा सी ते आ तां सारे नाल ही गया वो ये दोष ला रहे भी जड़ा असल दे विच कामरेडां दीआं यूनियन भारू हो गई मोर्चे च मेरी गल मन्नी नहीं जा रही मैं लगातार कई मंगा रखियां हुण पंजाब दे विच भी मंगा दे उत्ते सहमति नहीं क्योंकि कामरेडां ने जोर पाया वा सी दिल्ली भी ते हुण भी कामरेडां दीआं धिरां ने संयुक्त मोर्चे च आपदा जोर पाया होया साडी गल नहीं सुणदे जे तां किसी नूं कामरेड कहना उह तां हुण ग्राहां नूं भी कामरेड कही जांदा है ग्राहां दा की है कामरेड वाला सारी जथेबंदी नूं भी कामरेड कह सकदा है ते जे किसी की गल ठीक है
वो कामरेड है, वह हिंदू है, वह ब्राह्मण है, ईसाई है, इस गल की फर्क पैंदा है? कौन की कहता है? जे किसी कहना हो भाई कामरेड है तो बहुत माड़े है, तो जे कामरेड लोगों के मनुखता के लिए लड़ते हो लड़ाई फिर माड़ी गल की है बई? वो दोषी किमें बन गए ज माड़े किमें हो गए? तो जेडे कले धर्म वाली गल तो उस धर्म वाले गेड़े जी लोगों लड़ाई जाते हैं, उन्होंने असं चंगे कह दीए लोगों पाड़ी जाते हैं। इस हालत जो कोई कहे पहले भाई दरियाव वाले पानी का जो उधर जाता है आप तो उन्होंने तो पैसे लेने तो लड़ो पहला आ पानी वाला जो कुल कब्जा कर रहा संसार बैंक इनू बाद देख लेंगे हूँ उन्होंने सही मान संसार बैंक का कब्जा रोक रहा है उन्होंने सही मान लीए इन्हों कह दिए संसार बैंक का रोकता है कामरेड है तो जोड़ा पानी बहरों पैसे लेने हैं वह भाई पंजाब के हितू है चाहे उन्होंने सिख कह दो जो मर्जी कह दो लड़ाई धर्म जातों से थोड़ी बंडी जाती है तो जो धर्म जातों से बनता लड़ाई वह नुकसान कर रहा अंदोलन का मोर्चे की की है जी रूपरेखा अगे की होगी क्योंकि सरकार एम एस पी वाली कमेटी चो पंजाब नूं बाहर कर चुकी है लखीमपुर वाले मामले पर या केस वापस लैन वाले मामले पर भी सरकार कुछ नहीं बोल रही सरकार ने जो भी हुण पैंतड़ा लिया होया वह सारिया गल्लां तो बदल गई है एम एस पी ते कमेटी बननी सी कमेटी ने उस मौके चिट्ठी चे भी यह जरा घट्टो घट जो खरीद वाला कानून है गरंटी का कानून है एम एस पी के खरीदन का वो की दिक्कत वो की समस्या वो विचार चर्चा करके वह कोई हल करना है वो तो छड़ता पास हूँ जी कमेटी बनाई है जिन्होंने वह चेयरमैन बनाया चेयरमैन वह बनाया जिन्होंने कानून का सारा खरड़ा लिया जोड़ा वो सारे काले कानून का खरड़ा लियाने वाला है तो वह एम एस पी के चेयरमैन बनता है दूजे भारतीय जनता पार्टी जहाँ इन्हों का वो धर्म है हिंदू उन्होंने बंदे लाए हुए आर एस एस के बंदे लाए हुए जो सारे वो कमेटी किए है ये कमेटी भला की करूगी सरकार की गलू वाजब उठाने है इधर गलत करना है तो जो है पंजाब वाले क्यों नहीं लिया पंजाब सरकार के नुमाइंदे लड़ने लोग नहीं चंगे लगते पंजाब के उन्होंने नेड़ वाले खड़े से उन्होंने ले लेंदे ऐ तो हो जाते पंजाब के ले ले कोई पंजाब पासे करता सारे क्योंकि पंजाब चो लड़ाई शुरू हुई इस करके पंजाब नहीं सीन ते आउण देना जिहड़ा कहिंदे सी वी हाँ असीं परिवारां नूं सहायता भी देवांगे असीं नौकरी भी देवांगे कोई मामला नहीं हैगा केस वापस नहीं लए लखमीरपुर वाली घटना उमें पई है जे उहदे मुंडे ने गड्डियां चढ़ाईआं उस मंत्री दे जोर ते चढ़ीआं ते उहनूं इस्तीफा नहीं सी देना चाहिंदा उत्ते कारवाई नहीं सी होणी चाहिंदी उह उमें मंत्री है रक्षा मंत्री है एक गल हो रही जी कि उसके खिलाफ संयुक्त मोर्चे का सद्दा दिता हुआ है आ पिछले 18 तो शुरू है भी सारे भाई जिलों के पूरे भारत के तुसी कन्वेंशन करो कॉन्फ्रेंसा करो तो 31 तरीक न पूरे भारत के चक्का जाम करो रेलां जाम कर दौ सड़क जाम कर दौ वो सद्दा आया हुआ है उदू अह जरा फौज वाले करता भी 4 साल तो बाद रखने नहीं है अग्निपंथ जिन्हों कहते हैं वो सद्दा आया हुआ है उस बार लखमीरपुर खीर की घटना है 75 घंटे का धरना उत्थे ऐलान किया हुआ है तो जे उन्होंने कहे भी ये तो भाई है नहीं किसी काम की लड़त रही है जिन्ना लोग साथ देंगे उन्ना कुछ मिठा होजू गुड़ जिन्ना पावे कुछ लोग जिवें मोर्चा लगातार लगा हुआ जी कुछ जथेबंद कह रहे हैं कि डल्लेवाल साहब हुण आर एस एस के हत्थां च खेड़ रहे शिव कुमार कक्का इन्हां दे राष्ट्रीय प्रधान वो आर एस एस के नाल नेड़े आ इस करके मोर्चे को खराब करने वास्ते लगातार जोर ला रहे नहीं वो तो अमल ही सामने आ गया जी चाहे वह आर एस एस के है चाहे ना है उन्होंने अमल संयुक्त मोर्चे को तोड़ता फुटपाती वो चाहे आर एस एस के है या ना है चाहे वह सिख बन लोगों के किडे मर्जी भले बन उन्होंने अमल तो लोगों के उल्टा आ गया कि नहीं संयुक्त मोर्चे के उल्टा आ गया अमल इस गल कहना की फर्क पैंदा भी आर एस एस के है कि ना है अमल लोगों के उल्टा है मोर्चे के उल्टा है आखिरी सवाल है जी कि जे ये जो पानी वाले मुद्दे तुम अंदोलन कर रहे हो जे ते कुछ नहीं बनता इनू किधर नू लेके जाओगे देखो लोग सारा नू बड़ी ताकत होंदी है जे पंजाब दे लोकां नू इह जिड्डा पानी का मसला बनिया खड़ा है सिर च बजिया होया पहले तो धरती हेठला पानी डूंघा जा रहा है तो यह वध तों वध जे ना इहदा कोई बदलाव होवे 5-4 साल तो वध वड्डा हिस्सा पानी कढ़न की हालत ही रहना जिहड़े 10 किल्यां दे मालक उह भी नहीं कढ़ सकणे पानी तो होरां फसलां का कोई मिलता कुछ नहीं हैगा किन्ने पैसे खर्च हो गए जे करजा चढ़िया वड्डा हिस्सा तो झोने ने चढ़ाता करजा क्योंकि आए बार बोर डूंगा कर लो आए बार उस पाइप पा लो आए बार कोई वड्डी मोटर ला लो उस नहीं तो खेती नहीं होंगी यानी पूरा खेती का जोड़ा धन है उस उन्होंने को जा बढ़िया कारपोरेटा को सनतान को बनया हूँ जे दूजा पानी गंदला करता संसार बैंक ने फैसला करता भी ये पानी वस्तु है ये फिर किमें दिता जा सकता है
भारत सरकार ने मन के 12 चोने करता, हुण प्रैक्टिकल आ गया भी दौधर आ गए, अमृतसर नूं देना, लुधियाने नूं पानी देना, होर सही इहो कुछ है गया, पूरे पानी ते कब्जा करन लग गए। जे लोगों को यह पता लगेगा भी यार भाई तां पानी दा पेट्रोल तो भी महंगा मिलना सानूं, फिर लोग क्यों नहीं आने मैदान च? जिन्हां नूं हुण समझ आ जाओ, हुण आ जाणगे, जदों फिर मिलन लग गए उदों समझ आ जाओ। इस करके आ मोर्चे तो लोगों को गल बचाउण वास्ते है, इन्हां मोर्चियां नाल 5 दिनां दे असीं नहीं समझदे भी कोई इह कोई सरकार हल कर दू जां इह कोई फैक्ट्री वाले गंदला पानी करनों हट जाणगे। इन्हां मोर्चियां नाल 5 दिनां नाल कुछ नहीं होना। इहदे नाल दा प्रचार है पूरे पंजाब च, पूरे भारत च, पूरे दुनिया च है भी आह पानी का मसला एड्डा वड्डा बनिया खड़ा है पंजाब, तो पंजाब के लोग इन्हें सूत करन खातर लड़ रहे हैं। तो सानूं पूर्ण आस है कि जिहड़ियां दूजियां जथेबंदियां है जो उन्होंने ये मान लिया भी मुद्दा ठीक है, मंग पत्र ठीक है, फिर लड़ मैदान च क्यों नहीं आउणगियां? तो जे सारिया जथेबंदियां आ गई जिहड़ा लोगों हों भी अरे आप ही पट्टे पे है, जे दिल्ली गए सारे इकट्ठे सके, मतभेद तो उदों भी सके, पर लोगों को हो गया यार सारे जिथे जा बंदियां जा बड़ियां पंजाब उठ के जा बड़िया मगर। तो जे सारिया जथेबंदियां इस गल ते आउणगे सानूं नहीं लगता भी पंजाब किसे पासे होर जाऊ, पंजाब उठ के आउंदा है फिर इहदे मां सारे है, जिहड़ी पंजाब की ताकत है फिर आ फैक्ट्रियां ते कब्जा नहीं कराया जाऊगा, ये बंद नहीं कराइया जाएगियां, कहा नहीं जाऊगा जिन्ने तक तुम गरंटी नहीं करते ट्रीटमेंट ला के इनू चला के पानी साफ नहीं दिखाते। ऐ नहीं भी उन्हें की कहता प्रदूषण बोर्ड ने भी तुम पीओ इन पानी दिखाओ सानू साफ है, ऐ नहीं भी भगत भगवंत मान ने एक गिलास पिया तो अगले दिन हस्पताल पे ये लसेंस उधर होनी, यदा लसेंस लोग देंगे। तो हैगी है लोगों की हालत कि पूरे पंजाब जो फैक्ट्रियां है उन्होंने बंद कर सकते, करोना वेले बंद हुई फैक्ट्रियां ठीक है, करोना बहुत भैड़ी बीमारी सी, बहुत लोग मर गए, पर वातावरण कितना साफ हो गया सी, ये तो साफ ही हो गया ना भी आप फैक्ट्रियां वातावरण खराब कर दी। 30-30 मील तकर जन वो देखने लग गए, बठिंडे चिमनियां देखने लग गए, जेठुकों तो 42 किलोमीटर है, ऐ वातावरण साफ हो गया सी फैक्ट्रियां बंद होने कुछ महीनों ची, ये तो प्रैक्टिकल भी हो गया ना भी ये भाई सारा कुछ खराब कर रहे हैं। ये गल जो लोगों के समझ आ जाए उदों लोगों को लड़न का कोई औखा नहीं होंदा, जिन्ना चिर पल्ले नहीं पैंदी गल उन्ना चिर ही दिक्कत होंदी है। तो पल्ले पैण लग गए लोग स्याणे हो गए, चेतन हो गए, छेती समझदे आ गल्लां। जथेबंदियां की गलती नहीं रही जी, जथेबंदियां लगातार फ्री बिजली ते फ्री मोटरां ते लड़दियां रहियां, उदों नहीं पानी का मुद्दा याद आया, उदों पानी डूंघे करन च किसानां दा नहीं गलती जां किसान जथेबंदियां दी? देखो जिस किसी का कोई चेतना पद्धर है जदों लग्या भी हरियाणा इनकलाब करना अनाज पंजाब भारत कोल है नहीं तो सरकार मोटर लाउणी है 5000 मोटर कोठा पाउण नूं भी दे रहे है, उहदे नाल पैदावार भी वध रही है, लोगों नूं लग्गिया भी घर कुछ ना कुछ घरां च पैसे भी आ रहे है, हुण तां 17% दा लाई बैठिया है छिल वाला, उदों जदों मर्जी झोना जांदा जान सर विक जांदा सी, जिहड़ा हुण एड्डा जदों लोगों का पद्धर होगा इन्ने स्याणे हो जाणगे उदों जो पहलां गल बुझण लग गए उदों नहीं होण देणगे लोगों ने, तो जो प्रैक्टिकल उन्होंने पता लगता है सामने दिस के यह गल तो साढ़े उल्ट जा रही है, उदों खासा समा लंघ चुकया होंदा हूँ, लोगों को पता भी हरे इनकलाब ने तो मारते उदा लगता भी 12 नेरे बन रहे हैं। जथेबंदी की गलती तो है जी, इतने भी अड़े रहे कई साल भी बिजली फ्री बिजली फ्री, हजे भी उवें ही भी कोई 10 की मोटर पाँगा कोई 20 की पाँगा, इस करके भी फ्री है जे ये फ्री है फ्री होना चाहिए कोई दिक्कत नहीं। सवाल तो यह भी जरा धरती से पानी कढ़िया जा रहा है उन्होंने रीचार्ज का प्रबंध कर दी है सरकार, इस करके तो नहीं धरती पानी किसानों ने कढ़िया मकाता, ये तो उन्होंने झोने की फसल लिया इतने 12 mm पानी चाहिए मीह का, तो पानी 500 mm पैंता या 5 mm पैंता, वो 7 जो mm पानी कितों मिलना धरती चो मिलना से, जोड़ा नहरी पानी मिलता से इन्होंने वह जगाड़ भी खड़ा खंडियाता ता कि धरती हेठला पानी होर निकले, क्योंकि वह तो उन्होंने मुनाफे होने से कि रेह बिकया कि दवाइया बिकिया कि मशीनरी बिकी कि पाइपा बिकिया, ऐ माला माल हो उधर उन्होंने तो पता से सोच समझ के पानी डूंघा किया उन्होंने, ऐसा नहीं भी यह पद्धर उदों उत्थे नहीं छिड़किया जाता, आए सारा मतलब मीह हड़ मार दे लोगों आए बार नाली है जी पटियाले तो आँदी है आए बार तबाही ठाँदी है, ये पानी क्यों नहीं समझ आते भाखड़ा बन भज के पानी समझ जाओ, ये सारे सारे मिनी प्रोजेक्ट नहीं जी लग सकते भी ये तो बिजली पैदा भी कर दे जी सारे सस्ती मिलती है, तो इन्होंने जाके थर्मल वाली बिजली लोगों के सिर मंडी है, जोड़े आह किन्ने डैम लाने से पानी से वो बचाले खड़े है सारे कह किन्ने किन्ने सालों के खड़े है वो क्यों नहीं सिरे चढ़े ये थर्मल क्यों सिरे चढ़ गए? सवाल तो यह है भी सरकार किधर नूं जांदी है, ठीक है लोगों को समय पै के समझ आउंदी है गल तां ऐवें तां नहीं 200 साल अंग्रेज राज कर गए जो लोगों को पता लग गया भी असीं रहिए ना रहिए अंग्रेज नहीं रहिण देणे उन्होंने जाना पै गया, तो जो लोगों को यह पता लग गया भी आह भाई कारपोरेट घराने साढ़े दुश्मन है सरकारां उन्हां दे नाल रलियां हुई हैं
उदों लोग सुत कर लेंगे सारा कुछ। तो उन्होंने कहना है कि जदों लोगों की चेतना का पद्धर वधदा उदों लोग सारा कुछ ही कर लेंदे हुंदे आ। सरकारां कारपोरेटां दीआं दलाल आ भावें जिहड़ी मर्जी पग बन्नी होवे, भावें कोई पीली बन के आ जाए, भावें चिट्टी बन के आ जाए, भावें इनकलाब जिंदाबाद का कोई नारा लावे, ये सारिया गल्लां उदों तक खोखलियां जदों तक लोगों नूं समझ नहीं आउंदी उदों तक लोगों नूं लुट्टी जांदे रहणगे। कैमरा परसन जस दे नाल मैं मोहन सिंह औलख, लोक आवाज़ टीवी लई धन्नवाद।